अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। रमज़ान बहुत ज़बरदस्त जा रहा है गाइस, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ठंडा, बहुत कूल। आप सबका भी इंशाल्लाह ऐसे ही जा रहा होगा रमज़ान। और जी, यहाँ पर मेरा आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इफ्तार से, और मैं यहाँ पर कुछ इफ्तार की तैयारी करूँगी, प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी डे था और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी। सो गाइस, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विक क्विक सारे काम करने हैं। तो ये फ्रूट्स जो है वो हम सारे वॉश करके फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि आज मैं इतना ज़्यादा बिज़ी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज जो जाना है, मुझे आई एम गोना गो फॉर शॉप, सो इस वजह से गाइस तो सारा काम क्विक क्विक मैंने कर लिया है। इफ्तारी यहाँ पे मैंने बना ली है, रेडी कर ली है, और यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया। अब खजूर निकाल लेते हैं बॉक्स में से, और फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा तो फिर हम इफ्तार करेंगे, और फिर फौरन ही इफ्तार के बाद जो है आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग पर। गाइस, वैसे मेरी शॉपिंग इतनी ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है गर्ल्स की कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये मैंने सारा जो है ये अपना फ्रूट्स कट कर लिए, इफ्तार की प्रिपरेशन पूरी हो गई। यहाँ पे हम खजूर निकालेंगे, वॉश करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर जी मैं एक तरफ जो है वो मैं पकोड़े वगैरह हम यहाँ पर भी फ्राई कर रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। तो मैं ये पहले वॉश कर लूँ, फिर यहाँ पे साथ साथ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं या कुछ रेडी हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, और इफ्तार में जस्ट बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी से मैंने सारे शॉट्स ले लिए हैं, उसके बाद हम इफ्तार करेंगे। इफ्तार के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और फिर उसके बाद जी यहाँ पर बन रही है बिरयानी घर पर, तो मैंने कहा थोड़े से क्लिप आपके साथ भी शेयर कर दें बिरयानी के, तो बिरयानी खाएँगे क्योंकि सैटरडे संडे हो और बिरयानी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता गाइस। सो यहाँ पर बिरयानी बन गई है ऑलमोस्ट, यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई है क्योंकि मैं सहरी का सारा काम और जो है वो इफ्तार वगैरह का सारा काम कर लेती हूँ, और बाकी ये कि वो जो डिनर में अगर कुछ बनता है तो मतलब लाइक बनता क्या, यकीनन हमारे यहाँ तो बनता ही है डिनर में रेगुलर, ये नहीं है कि बस इफ्तार करेंगे। तो गाइस, ये बिरयानी बनी है, यहाँ पर ये इसकी लेयरिंग कर रही है, और बस फिर हम मज़े से खाएंगे क्योंकि मैं पहले डिनर करूँगी, क्योंकि मैंने आज बहुत थोड़ा सा इफ्तार किया था, इसलिए पहले मैं बिरयानी रेडी हो जाए तो फिर आपको उसकी लुक भी दिखाते हैं, साथ साथ आपको और दूसरी चीज़ें भी दिखाते हैं गाइस। यहाँ पर जी ये ज़बरदस्त पॉकेट्स आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वायरल है आजकल, तो आप लोगों ने भी इस तरह की रेसिपीज़ देखी होंगी। सो गाइस, इसकी अनफॉर्चुनेटली रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, तो यहाँ पर मैं ये खा रही थी और ये बहुत बहुत ज़्यादा यम बने थे, बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे पर्सनली। तो अगर मैं आगे बनाती हूँ तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग कॉमेंट बताइएगा आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह अगर होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ। लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे गाइस, सो इट्स अब मुझे बहुत यम्मी लगे। तो अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर वगैरह जो है यहाँ पर ना देने के लिए बिरयानी की प्लेट्स बना रही थी कि भेज दें कहीं पर, क्योंकि बिरयानी हो और ज़ाहिर है सबको अच्छा लगता है कि इस तरह रमज़ान में एक दूसरे के साथ शेयर करके भी चीज़ें खानी चाहिए। सो यहाँ पर वो कर रहे थे, उसके बाद जी मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल ली है क्योंकि शॉपिंग के लिए जाना था, और मेरी सिस्टर कह रही है कि भाई बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए तो तुम खा लो, तो मैंने कहा चलो मैं पहले खा लेती हूँ फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले बिरयानी इंजॉय करूँगी कि कैसे बनाई है, और वो कह रही है जल्दी से रिव्यू दे दो, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे और हम बताएंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। गाइस, बिरयानी देखने में तो बहुत यमी लग रही है ना, तो यकीनन ये यमी भी है क्योंकि मैंने खाई है तो मुझे पता है बहुत मज़े की। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रायता डालेंगे और फिर हम इसे टेस्ट करेंगे और फिर हम इसे बताएँगे कि कैसी बनी है बिरयानी। सो ये पहला बाइट, और सो गाइज वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ मैं खा चुकी हूँ बिरयानी, बहुत कमाल बनी है गाइज़, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरी सिस्टर्स हमेशा अच्छी बिरयानी बनाती है, मैं भी अच्छी बनाती हूँ काफ़ी टाइम से, मैंने बिरयानी जो है वो बनाई नहीं है क्योंकि रमज़ानों में मेरा डिनर का काम होता नहीं है, तो इसलिए अब जब ईद आएगी तो एक दिन मुझे बनानी पड़ेगी बिरयानी और सारी कुछ। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम आ गए हैं बाहर और हम जा रहे हैं शॉपिंग पर। सो गाइज़, आप वहाँ पर शॉपिंग इंजॉय कीजिए। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं रमज़ान की रौनक है, माशाल्लाह ईद की रौनक है, ईद जब आने लगती है तो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग की तरफ जो है वो कंसर्न होता है उन लोगों का। तो गाइज़, वैसे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से महंगाई ने तो वाकई में, आप जाके रेट्स चेक करें मार्केट में गाइज़,
बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो वैसे तो मैंने कर ली है शॉपिंग, मुझे तो थोड़ा कुछ ही लेना था, ज्वेलरी वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। तो बस देखते हैं और आपके साथ शेयर करते जाएंगे आगे आगे क्या क्या है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, नॉर्मल से लोन के सूट भी 6-7 हज़ार से कम का नहीं मिल रहा गाइस। मुझे तो बिल्कुल जो बात है सो गाइज़ यहाँ पर आप रश चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स जेंट्स लेडीज़ बहुत ज़्यादा रश था, ओवरलोडेड, बिल्कुल कहते हैं ना हाउसफुल वाला सीन था। मुझे इतनी हैरत हुई, अभी तो रमज़ान में आधा रमज़ान भी नहीं हुआ है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग की तरफ हैं, क्योंकि शायद महंगाई की वजह से भी क्यों लोग कर रहे हैं अभी, इसलिए कि महंगाई है, ऐसा ना और लास्ट में जब लेंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। ज़ाहिर है वो चीज़ें पहले ही, ये तो ईद की एक कहते हैं ना रिचुअल है कि पहले ही जो दुकानदारों का जो शॉपकीपर्स का मसले होते हैं वो यही होते हैं कि वो चीज़ों के रेट्स और ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो लोग शायद इस वजह से भी ले रहे हों। लेकिन बहरहाल गाइज़ आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली या नहीं करी, आप करते हैं कब करते हैं, एंड पर बिल्कुल आकर करते हैं। कुछ लोगों का होता है ना सीन वो बिल्कुल एंड पर चांद रात से एक दो दिन पहले शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग रमज़ानों से ही पहले कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान जो है इबादत का महीना है, ज़ाहिर है, तो हम सबको इबादत में ही पहले मशगूल होना चाहिए, फिर हमें दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। मतलब शॉपिंग तो चलता रहता है, ज़िंदगी का पार्ट है, तो इसलिए। सो बस जनाब यहाँ पर मेरी सिस्टर वगैरह को अपने लिए ड्रेसेस लेने थे और इनको चूज़ करने में इतना मुश्किल हो रहा था, इन्हें चॉइस मतलब इनकी चॉइस में कोई भी ड्रेस नहीं आ रहा था। ये कह रही हैं कि लोन है, स्टफ है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई है। मैंने कहा प्राइसेस का भी चलो कोई मसला नहीं, अगर आपको कपड़े अच्छे लगते हैं तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर तो कपड़े मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हैं। तो ये जुनैद फैब्रिक आई थिंक शॉप है मॉडल में, अगर कोई कराची में यहाँ रहता है तो मॉडल से होगा तो उसे ज़रूर पता होगा कि ये कहाँ है। और कुछ फैब्रिक्स थे जैसे कि ये चिकनकारी वाला सूट मुझे अच्छा लग रहा था, तो बहरहाल मुझे तो लेना नहीं था, मेरी सिस्टर को लेना था, मुझे ज्वेलरी की वजह से मैं आई थी। तो हमारे यहाँ शॉपिंग पर भी जाना जो है वो इतना काम नहीं आया क्योंकि गाइस सिस्टर को ना अच्छा नहीं लग रहे थे, बेसिकली ऐसा मसला ये था। कुछ भी तो नहीं दिख रहा मुझे अच्छा यहाँ पर। यहाँ देखो यहाँ डिफरेंट नहीं लग रहा। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की बट मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं लग रही थी, पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्या मसला था। बहरहाल गाइज़ यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो जाती है डन, क्योंकि जो लेना था एक दो छोटी मोटी चीज़ें वो ले ली थी, बाकी है कि मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम नेक्स्ट दोबारा हमें जाना पड़ेगा ज्वेलरी की वजह से। तो गाइज़ बस यहाँ पर ये न्यू शॉपिंग मॉल भी ओपन हुआ था, तो यहाँ पर अभी कुछ ख़ास शॉप थी नहीं, तो वापस हम लोग आ गए थे। उसके बाद जी घर आ गई थी मैं आके, हमने और सारी नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर सो गए थे। उसके बाद जी जनाब फिर नेक्स्ट डे हो गया था, और नेक्स्ट डे के बाद देखें हमारे घर पे आया है प्यारे से मिट्टू, और ये मिट्टू मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, पहले एक था क्योंकि एक मैंने आपको बताई थी इसकी स्टोरी गाइस। तो सॉरी गाइस, तो मैं यहाँ पर जो है वो इनको देख रही थी और इनको बड़े वाले पिंजरे में बंद कर दिया, इनका नया घर आ गया गाइस। अच्छा जी जनाब यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं यहाँ पे फिर से इफ्तारी की प्रिपरेशन करने लगी। मैंने कहा जल्दी से इफ्तार रेडी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी और जल्दी जल्दी आपके साथ कुछ बातें भी कर लेंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा फास्ट मोड पे लगा दूँगी क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। तो बस आप लोग इन्जॉय भी करते जाइए और देखते भी जाइए। सो चलें जी गाइज आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरी कुछ बातें, अगर आपको फास्ट मोड पर समझ आ जाए तो। और
ये ना बहुत अच्छी चीज़ का ये देखें, ये वाला किस किसने खाया है अभी पर। ये मैंने अभी अभी जस्ट कट किया है, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ कि बाहर से ग्रीन है और जो है वो अंदर से जो है वो येलो हो रहा है। ऊपर चलते हैं, सो गाइस आज हम दिखाने वाले हैं कि हम पतंग कैसे लेते हैं। हाय हाय एवरीबॉडी, लुक एट द बर्ड्स ओवर देयर, वाओ इट लुक्स ब्यूटीफुल, सच एन अमेजिंग, वाओ दिस इज अ सनसेट होने वाला है। रोज़ खुलने में जस्ट 15 मिनट्स रह गए, 6:30 का टाइम हो रही है और मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ का भी व्यू दिखा दूँ। इतना हाइट पे चढ़कर आकर ना देख सकते हैं ना, पूरे का सांस फूल गया रोज़ में। पीपल अराउंड देयर एंड दे आर जस्ट फ्लाइंग काइट्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ विंड, ब्यूटीफुल वेदर, दिस इज ब्यूटीफुल वेदर, दिस इज ओह माय गॉड, सो या सो जी जनाब यहाँ पर ये दोनों इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं क्या शौक़ लगा है पतंग, लेकिन इतने छोटे छोटे से हैं पतंग उड़ाने का और पतंग पकड़ने का, तो पता नहीं ये क्यों रमज़ान में जो है, अच्छा बच्चे और बड़े हों सब, वो ज़्यादातर ये काइट का ही सीज़न हुआ हुआ होता है, मतलब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इसको। अच्छा जी उसके बाद क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 15 मिनट रह गए थे इफ्तार में, तो मैंने कहा इफ्तार में सारी प्रिपरेशन करके आ गई थी, तो मैंने कहा चलें अब मैं सारे जो है दस्तरखान वगैरह लगा दूँ। तो गाइस से माशाल्लाह, और ये बताइए कि मेरा ये 2-3 दिन का व्लॉग आपको कैसा लगा है और आप लोगों ने इन्जॉय किया। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पर मैं सबके प्लेट्स वगैरह बनाऊँगी, फिर हम इफ्तार करेंगे। और बस जी जनाब यहाँ पर फिर हमारा रोज़ा खुल गया और हमने यहाँ पर इफ्तारी करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपना मील, जो कुछ भी हमने बनाया है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत अच्छे रमज़ान जा रहे हैं अल्लाह के करम से, शुक्र है, थैंक। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा इफ्तार भी डन हो गया, उसके बाद हमने डिनर की प्रिपरेशन की है, उसके डिनर में जो बन रहा है वो है चिकन पोटैटो कटलेट्स। और बस यही था मेरा 2-3 दिन का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।